जब मैं परिचालक था तब भी हनुमान पाठ करते रहे, आज केंद्र बिहारी रोडवेज में आज भी जो है छुट्टी लेकर अवकाश लेकर अपना पाठ करते हैं। और बजरंगबली की मठिया में ही मेरा लालन पालन पोषण हुआ, उनकी ही दया से मैं आज जिंदा हूँ। मेरा परवरिश बजरंगबली ने की, मैं 6 महीने जब था तो बजरंगबली की मठिया में ही पला पोसा, उन्होंने ही मुझे रूप दिया और मैंने प्रतिज्ञा की है जब तक ये शरीर है तब तक मैं हनुमान का रोल करता रहूँगा। जय श्री राम। के रामलीला मैदान पर कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है और ये हमारी रामलीला बहुत कितने दिनों से हो रही है। ये रामलीला हमारे बहुत बुजुर्गों ने लगभग 400 साल पहले शुरुआत की थी और उससे आज तक बराबर होती चली आ रही है। और लगभग हम लोग बुजुर्गों की जो शुरुआत की गई उसको बरकरार रखे हुए और आगे भी बरकरार रखेंगे। क्या खासियत है, क्या है? हमारे यहाँ रामलीला में एक खासियत यह है कि हमारे यहाँ रामा दल और रावण दल दोनों अलग अलग मोहल्लों से बटे हुए हैं। जब से रामलीला की शुरुआत हुई है तब से एक हमारा तिवारियान मोहल्ला है जहाँ से रामा दल तैयार होता है, तब उस सभी समय से राम का जो जितने भी स्वरूप हैं राम दल के जितने भी लोग हैं वो उसी मोहल्ले से बनते हैं। और एक हमारे नगर में तीस्तान मोहल्ला है जिसमें रावण दल के स्वरूप बनते हैं। आज से लगभग 300-400 साल पुराने जब से बने हैं उस मोहल्ले के, आज तक ही उसी मोहल्ले के रावण दल के लोग बनते रहे। वो किसी को दूसरे मोहल्ले के लोगों को बनने भी नहीं देते हैं, वो उनकी परंपरा है, खानदानी परंपरा है और वो चलते रहे। ये लगभग 400 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे यहाँ जो हमारे हनुमान जी हैं वो भी बहुत ही पुराने हैं, तंज हैं और वो बेचारे एक सरकारी कर्मचारी भी हैं, परंतु जब रामलीला शुरू होती है तो अपने अवकाश ले लेते हैं और जब तक रामलीला चलती है तब तक वो हनुमान जी का रोल अदा करते रहते हैं।